नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे किचन में, पिंकीज किचन में। तो आज आपको मैं सेम की फली की सब्जी बनानी सिखा रही हूँ या बना के दिखा रही हूँ। ये जो रेसिपी है दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसे मैं आलू के साथ बनाऊंगी, जो कि आपके आगे भी आपको बताऊंगी मैं। तो इस सब्जी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है, जहाँ तक मुझे पता है कि ये एक तो फेफड़ों को बहुत ही क्लीन करता है और इसमें जिंक वगैरह पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में। तो दोस्तों, इसकी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सेम की फलियाँ ली हैं। ये आधा किलो सेम की फलियाँ हैं। तो इसकी सब्जी जो हम बनाएंगे, इसमें मैंने सोचा कि थोड़ा सा आलू भी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है, ये बड़ा सा आलू था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा आलू था। और अब इसके साथ अब आलू डाल के बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, ये बड़े वाले लहसुन है मेरे पास, तो मैं इसी को कूट के डालूंगी। और ये दो टमाटर, तो टमाटर मैंने यहाँ पे दो डाले हैं क्योंकि काफ़ी खट्टे हैं और छोटे वाले डाले हैं। तो अगर आपके पास खट्टे वाले टमाटर नहीं हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, बहुत टेस्ट आता है फिर उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम की फली को काट लिया है, हम लोग इसे सेम ही बोलते हैं, और इसे छोटे छोटे पीसेज में काट लिए हैं। आलू भी रफली ही काटा है। और चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लूँगी, चाहे तो आप पीस भी सकते हो मिक्सी में। और लहसुन को मैं कूट के डालूंगी, मिक्सी का यूज नहीं करूँगी मैं, ऐसे ही सब कुछ रफली में डाल के बना के आपको दिखाती हूँ। ये सब्जी बहुत ही शानदार बनने वाली है। तो यहाँ पर हमने अब कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम डालेंगे तेल। इसमें सरसों के तेल डालेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब इसे हम गर्म होने देते हैं। चलिए तो इसमें हम डालते हैं, सबसे पहले ये है 5 फोड़न, 5 फोड़न जिसको बोलते हैं, उसका तड़का डालना है हमें। तो उसके लिए ये डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद डालेंगे लहसुन जो मैंने कूटा है, और इसे थोड़ा सा जलने देते हैं। तो ये लहसुन अब हमारा थोड़ा सा जल चुका है, लाल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू, इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा आलू अब फ्राई हो चुका है, तो इसे हम करते हैं थोड़ा सा साइड। और इसमें हम डालते हैं सेम की फलियां। इसमें सबसे पहले नमक डालेंगे, नमक स्वादानुसार डालना है, आपको किसके साथ खाना है तो उसके हिसाब से डालिएगा। यदि रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा कम डालें, और यदि चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें, फिर ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसमें हम हल्दी डाल के थोड़ी देर के लिए उसको ढक के छोड़ देंगे। चलिए इसे ढक के हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है, इसे हम खोल के देख लेते हैं एक बार तो कितना पका है सब्जी। ज़्यादातर इसके लिए आलू जो है ना, आलू को पकना ज़रूरी है, सेम की फली को इतना ज़्यादा नहीं भूनना या पकाना है, बस आलू हल्का सा गल जाए इसके बाद हम मसाले इसके अंदर डाल देंगे। जैसे आलू भी गल चुका है तो हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस काटे हैं। और इस तरीके से इसे अंदर दबा के ऊपर से हम डालेंगे सारे मसाले। तो हल्दी तो हमने डाल दिया,
अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले आप अंदाजे से डालें, जितना आपको अच्छा लगता हो उस हिसाब से। और डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, धनिया पाउडर यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाला है, और लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डालें। उसके बाद दोस्तों इसमें जो सबसे स्पेशल चीज़ डलेगी वह है पीली सरसों का पाउडर। मैंने यहाँ पे पाउडर का यूज़ किया है, आप चाहे तो पीली सरसों को मिक्सी में ग्राइंडर में पीस के भी डाल सकते हैं। उसमें जैसे 2 से 3 चम्मच आप ले लें और फिर उसको पीस लें लहसुन और टमाटर के साथ, तो ये ग्रेवी उससे भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन आप ऐसे भी पीस के सूखा डाल के बनाएंगे तब भी अच्छी बनेगी। और हमने इसे पीस के पहले ही रख लिया था, जिसे हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। हर टाइम मिक्सी वगैरह चलाना मुश्किल हो जाता है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। पहले टमाटर गल जाए, फिर हम सारे मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, पहले मसाले को भूनेंगे, जब ये पानी सूख जाएगा फिर हम रसा डालेंगे। देखिए ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, पानी भी थोड़ा सा सूख ही गया है, हल्का सा और सुखाएंगे इसको। चाहे तो आप ऐसे ही खाएं रोटी के साथ, और अगर आपको चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा इसमें पानी आप मिला लें, जैसे कि मैं मिलाने वाली हूँ। आप चाहे तो आप ऐसे भी इसका एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि रोटी या पराठा के साथ। तो ये सब्जी वैसे ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब इसमें हम पानी मिला लेते हैं, क्योंकि हमें रस वाली चाहिए, तो ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी इसमें डाल देते हैं। पानी उतना ही डालना है जितना में ये सब्जी डूब जाए बस। और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे और हमारी सब्जी तैयार है। तो दोस्तों हमारी ये बीन्स की सब्जी तैयार हो गई, देसी बीन्स की, जिसे हम सेम की फली कहते हैं। और इसकी सब्जी हमने बनाई है आलू के साथ, और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये। और खास चीज जो हमने इसमें डाली है वो तो आपको पता ही है, तो ये मसाले डाल के आप बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।